फर्स्ट एंड सेकंड हम टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ चुके थे। फर्स्ट में हमने पढ़ा था हर्बेरियम और सेकंड में बॉटनिकल गार्डन, थर्ड जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पर जू, जू का मीनिंग, जू ये टर्म हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और जूलॉजी तो जब हम जूलॉजी ये टर्म यूज करते हैं तो जू मतलब एनिमल एंड लॉगस। लॉगस का मतलब होता है, लॉजी ये वर्ड आया है लॉगस से। लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, इट मीन्स टू स्टडी एनिमल्स। तो एनिमल रिलेटेड स्टडी को हम जूलॉजी कहेंगे। ओके, ये लॉगस वर्ड से आया है, लॉजी। ओके, इसलिए कभी भी आप किसी भी साइंस की ब्रांच के आगे जब आप देखते हैं कि उसमें सफिक्स में लॉजी ये लिखा हुआ है, तो वो लॉजी ये ग्रीक वर्ड लॉगस से आया है, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, उसके बारे में पढ़ना समझना। ओके, तो जूलॉजी मतलब एनिमल की स्टडी। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो जब हम एनिमल की मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं, एनाटॉमी मतलब इंटरनली उनके पास में क्या क्या ऑर्गन स्ट्रक्चर होते हैं, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब उनकी बॉडी की फंक्शनिंग कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है, उनके बॉडी में डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, हार्मोन्स कैसे मूवमेंट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं हार्मोन्स, ठीक है, लोकोमोशन मूवमेंट, बोन्स या स्केलेटन किससे बना हुआ है और वो कैसे लोकोमेट या मूवमेंट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के जब हम वहां पर आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। तो एनिमल्स के अंदर ऐसे डिफरेंट स्टडी हो सकती है। तो जूलॉजिकल पार्क मतलब जहां पर एनिमल्स को रखा जाएगा, तो ऐसा पार्क है जहां एनिमल्स को रखा जाएगा। अब एनिमल्स कौन से एनिमल, क्या पेट एनिमल्स को, गाय भैंस बकरी, ठीक है, डॉग कैट रैट, इनको रखा जाएगा क्या? नहीं, इनको तो हम घर में रख सकते हैं, तो इनके लिए पार्क क्यों? तो जूलॉजिकल पार्क किसके लिए बनता है? तो जूलॉजिकल पार्क को हम एवरी यूज करते हैं, इसको हम जनरली यहाँ पर जू, छोटा जू, और आप जू नाम सुनते से आपको क्लियर हो गया होगा बराबर जूलॉजिकल पार्क जू। तो जैसे कि आपने महाराज बाग जू देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है अपने से महाराज बाग जू? यस सर, देखा किसी, ओके, मंथन ने देखा है बस, बाकी किसी ने नहीं देखा? यस सर, मैंने भी देखा सर, आदित्य ने देखा है, मैंने भी देखा ना ओके, रोशन का सर। भी हैंडराइज हुआ है, सर्वेश का, तेजस ने भी हैंडराइज किया है, स्वयं ने भी, ओके। रवि तुम नहीं गए हो क्या बेटा महाराज बाग जू? सर मैं भी गया हूँ। ओके, तंजिल भी गया है, रवि रवि नहीं गया शायद, रवि का हैंड अराइज नहीं हुआ है, स्वयं का हैंड अराइज हुआ है, स्वयं भी गया है, मतलब प्रांजल का भी हैंड अराइज है, प्रांजल भी गई है, तो अकेला केवल शायद रवि नहीं गया है, रवि का हैंड अराइज भी नहीं हो रहा है और ना उसने आंसर दिया है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब आप में से बहुत सारे लोग जा करके आए हैं, ठीक है, तो जूम में आपको क्या दिखा वहां पर, क्या देखा आपने? चलो एक कोई भी स्टूडेंट, मैं एक से पूछता हूँ, पहले तो आदित्य से पूछता हूँ। आदित्य तुमने यस सर, जू में जाकर के क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा तुमने, कौन डिफरेंट से टाइप्स ऑफ एनिमल? एनिमल्स, देयर इंफॉर्मेशन रिटन ऑन द प्लाकार्ड्स। ओके ठीक है, प्लाकार्ड्स पर जो है वहां पर इंफॉर्मेशन थी उनके बारे में, उनके नाम वगैरह और क्या क्या है वो, उसके बारे में। गुड, तो कौन से एनिमल थे, क्या पेट एनिमल्स थे क्या वहां पर? वाइल्ड सर वाइल्ड एनिमल्स। नो सर, वाइल्ड एनिमल, ओके गुड, वाइल्ड एनिमल्स थे, वेरी गुड।
और क्या वो पार्क में? फिर मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ मंथन से। मंथन, क्या बेटा वो जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो सीधे घूम रहे थे क्या पार्क में? तुम देख रहे थे, तुम्हारे साथ साथ में घूम रहे थे क्या? नहीं सर, केज में थे। केज में थे, वेरी गुड। तो किसमें रखे जाते हैं उनको? केजेस में। तो जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को कैप्ट किया जाता है सेपरेट केजेस में, ठीक है, अलग अलग में। मतलब ऐसा नहीं कि टाइगर के पास में डियर को रख दिया तो पता चले एक की पार्टी हो जाएगी और एक बेचारे दूसरे को नुकसान, है ना? तो सेपरेट केजेस में रखते हैं, अलग अलग रखते हैं दोनों। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या क्या होगा? वाइल्ड एनिमल्स आर कैप्ट इनटू सेपरेट केजेस। ओके, केज मतलब ऐसी जाली बनी हुई है, पिंजरा बना हुआ है, उनमें रखते हैं उनको अलग अलग। तो वाइल्ड एनिमल्स को सेपरेट केजेस में रखते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग तो जूलॉजिकल पार्क में। फिर हम उस जूलॉजिकल पार्क में टेक्सोनॉमी में कैसे हेल्प करेगा? तो आदित्य ने बताया था कि उनके जहां पर उनको रखते हैं वहां पर उस केज के बाहर एक जो है वो प्लाकार्ड्स लगा देते हैं, लकड़ी वगैरह के ऐसे बोर्ड लगा देते हैं, और उसके ऊपर उनका नाम, ठीक है, इंग्लिश में नेम उनका और बायोलॉजिकल नेम, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन अगर लिखना है तो वो लिख देते हैं, ताकि आप उसको, अगर आपको उसका प्रॉपर नाम ना पता हो तो आप वहां पर नाम देख सको, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई मेन इंपॉर्टेंट वहां पर भी इंफॉर्मेशन हो तो लिख सकते हो आप। ओके, तो इससे हमको एक चीज पता चल जाती है कि वो एनिमल्स क्या है, ठीक है। लेकिन फिर हमने उन वाइल्ड एनिमल्स को क्यों रखा यहाँ पर, जंगल में क्यों नहीं रहने दिया उनको, यहाँ क्यों रखा? कोई बताएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन का आंसर कोई ये आप बताएगा? नहीं पूछ सके सर, उनके बारे में सबको पता चलना चाहिए इसके लिए। सबको पता चलना चाहिए, ये बस मुझे सुनाई दिया बेटा, बाकी नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम हो रही थी शायद आपकी तरफ से, तो फिर से बोल सकते हैं आप सबको पता चलना चाहिए, तो उसके पहले आप कुछ बोल रहे थे शायद। हाँ सर, उनके बारे में ओके, उनके बारे में सबको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने जू को विजिट किया बेटा रोशन, तो आपको टाइगर के बारे में क्या पता चला फिर? अगर आपने टाइगर देखा तो क्या पता चला आपको टाइगर के बारे में फिर उसको देख करके? तो पता नहीं चला, जो पहले पता था वही था पता। ओके ठीक है, किसी को कुछ सर, पूछना क्या? एंडेंजर्ड स्पीशीज को सेव करने के लिए। ओके, स्वयं ने बोला कि कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज को सेव करने के लिए। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब होता है कि जो डेंजर में आ सकती है, मतलब कि जो नंबर उनका कम हो रहा है और उनको अभी खत्म किया जा रहा है, कोई हंटिंग कर रहा है या कोई उसको यूज कर रहा है किसी तरह से, जिसके कारण कि उनका नंबर कम हो रहा है। तो एंडेंजर स्पीसीज को भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, एंडेंजर स्पीसीज को भी रख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एंडेंजर स्पीसीज को ही रखे। अगर कोई एलिफेंट रख दिया वहां पर, तो जरूरी नहीं कि एलिफेंट एंडेंजर स्पीसीज ही है। ओके, क्रोकोडाइल रख दिया तो क्रोकोडाइल जरूरी थोड़ी कि एंडेंजर स्पीसीज ही है। तो हमेशा एंडेंजर स्पीसीज को नहीं, हाँ कुछ एंडेंजर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए रख सकते हैं। ओके, लेकिन एक नॉर्मल, कि आप जू में गए तो आपको जू में जाकर के एनिमल्स को आपने देखा, वाइल्ड एनिमल्स को, तो आपको क्या पता चला? चलो रोशन बोल रहा है कि सर मुझे कुछ खास पता नहीं चला, जो पहले पता था वही पता चला। तो रोशन तुम किस एज में गए थे बेटा पहली बार जू में? सर 7-8 साल के पास मकर। ओके, तो 7-8 साल पहले तुमको पहले क्या पता था उसके पहले विजिट करने के पहले टाइगर के बारे में? टाइगर, एक जंगली जानवर है ऐसा कुछ पता था। ओके, बस इतना पता था ना, उसको रियल में तुमने नहीं देखा ना आमने सामने। 7 साल में तुमने रियल में आमने सामने यस देखा सर, उसको, लिविंग, नो सर। उसको टीवी में देखा होगा, किसी
मूवी में या किसी वाइल्ड लाइफ शो में देखा होगा, है ना, डिस्कवरी या नेट जियो में या फिर मैगजीन वगैरह में या फिर न्यूज़पेपर में ऐसे ही देखा होगा। बहुत थोड़े से अंतर पर नहीं देखा होगा, 200-400 मीटर की डिस्टेंस पर वो है, ऐसा नहीं देखा होगा, वो तो जूम ही देखा होगा। तो पहला लाइव यस सर, एनकाउंटर आपका जो है वो वहां पर जूम में हुआ होगा, ठीक है। फिर सेकंड थिंग, क्या आपने उसको चलते और उसको प्रॉपर वहां पर देखा होगा कि सच में ये क्या कर रहा है। फिर अगर आप वहां पर थोड़े और देर तक रहते तो कोई उसको खाना खाना लेकर के आता 2-4 घंटे के बाद, ठीक है, लंच या डिनर का टाइम होता उसका, तो उसको वो लेकर के आता और उसमें फिर आप वहां पर ऑब्जर्व करते कि अरे ये तो नॉन वेजिटेरियन है, ये वेजिटेरियन नहीं है, ये घास वगैरह नहीं खाता, ये नॉन वेज ही खाता है, किसी जो है किसी ना किसी एनिमल का फ्लैश ही खाता है। ओके, तो ऐसी कुछ चीजें आपको पता चलती। ओके, वो झाड़ियों वाड़ियों के आसपास ही रहना पसंद करता है, इसलिए जो केज बनाया गया होगा वहां पर, ठीक है, उस केज थोड़ा सा लंबा बड़ा बनाया गया होगा, ठीक है, टाइगर के लिए, कि वहां पर वो घूम फिर सके, ठीक है। और थोड़ा सा वहां पर एक छोटा सा पानी का सोर्स बनाया गया होगा, बीच में आकर के वो पानी पी सके अपने आप। वहां पर कुछ झाड़ियां बनाई हुई होगी कि उसमें जाकर के वो थोड़ा सा छुप सके वहां पर, क्योंकि उसको ज्यादा वैसा लगता है वहां पर, ठीक है। तो कभी कभार तो कुछ जो है वहां पर केव वगैरह जैसा बना देते हैं उसको, ठीक है, केव जैसा ऐसी गुफा जैसा छोटा सा, कि वहां पर जाकर के अंदर वहां पर रह सके। तो ऐसा बहुत बार ऐसी चीजें वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। तो आपने पहली बार ऐसी चीजें ऑब्जर्व की होगी वहां पर, ठीक है। जब आपने देखा होगा कि अरे इसका केज अलग है और एक बंदर का केज अलग देखा होगा आपने। बंदर का केज में क्या होगा, बंदर का केज थोड़ा सा छोटा होगा और वहां पर उसको ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होगी, उसको एक बड़ा सा पेड़ वगैरह अवेलेबल कर दिया गया होगा, ठीक है। तो पेड़ पर कूदे उदे या फिर छोटी बहुत टहनिया वहनिया या फिर ऐसी कुछ चीजें वहां पर दे दी गई होगी, मतलब उनके जो नेचुरल इन्वायरमेंट के जैसा वहां पर रिजेंबल करता हुआ छोटी चीज प्रोवाइड कर दी जाती है। अब एलिफेंट को रखेंगे तो एलिफेंट को जू में कभी भी सर्कस के जैसा नहीं रखेंगे कि एक पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है, उसको खुला रखेंगे, उसको बहुत बड़ा एरिया देंगे, ठीक है। और मतलब ऐसे वहां पर जो है अलग अलग अरेंजमेंट की जाती है। अगर डियर्स वगैरह को रखेंगे तो उनको जो है वो भागने के लिए जगह हो लंबी, तो बड़े बड़े पेड़ और भागने के लिए उनको जगह हो, छोटी मोटी ग्रास हो बीच बीच में कि वो खा सके उसको, तो ऐसे वहां पर उनके लिए अलग से दिया होगा, ठीक है। तो अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के लिए अलग अलग सेपरेट केजेस है, एक दूसरे से अलग रहे वो। दूसरी बात, सबके बिहेवियर अलग अलग है, उनकी खाने की आदत अलग अलग है, क्योंकि तो अलग अलग चीजें खाना पसंद करते हैं। और वो अलग अलग तरीके से उनके लिए वहां पर प्रोवाइड किया जाता है इन्वायरमेंट, सबके अलग अलग है। क्रोकोडाइल देखा होगा तो क्रोकोडाइल के पास में बड़ा सा पॉन्ड जैसा कुछ बनाया गया होगा, कि तो उसमें वो जा सके पानी में और पानी में रह सके, कुछ देर पानी के बाहर वो आकर के सुस्ता सके, इसलिए वहां पर खुली जगह भी थोड़ी सी दी होगी उसको केज में। तो ऐसे सबके लिए उसके नेचुरल इन्वायरमेंट के जैसा छोटे लेवल पर उसको जगह अलॉट की गई होगी, ऐसा उसको बनाया गया होगा उसके केज के अंदर एनवायरमेंट। ओके, तो सेपरेट केजेस में रखते हैं। हमें क्या पता चलता है टेक्सोनॉमिकल एड्स में, हमें क्या वहां पर पता चलेगा, तो उनकी फूड हैबिट, उनके रहने का वो कैसे रहते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी, कि टाइगर होता है तो बिल्कुल ऐसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें होगी, ठीक है। तो उनकी हम क्या करते हैं यहाँ से, बिहेवियरल स्टडी, बिहेवियरल स्टडी। हमें उनका बिहेवियर पता चलता है कि वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, ये सारी चीजें हमको वहां पर पता चलती है। इनके बेसिस पर हमको हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग, यार ये तो टाइगर क्या है, नॉन वेजिटेरियन है,
इसका फूड की हैबिट अलग है, डियर की, रैबिट की, वेजिटेरियन है, ये अलग है, ठीक है। बर्ड से कोई, ये अर्बोरियल है, पेड़ वगैरह पर रहते हैं, ठीक है, ज्यादातर टाइम वहां पर पेड़ वगैरह पर दिखेंगे आपको बर्ड्स, ऐसे आप वहां पर देख सकते। ओके, ये जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट नंबर फोर, म्यूजियम्स। यस बेटा। सर, जूलॉजिकल पार्क एंड नेशनल पार्क में सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों में वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, बस इतनी सिमिलरिटी है बेटा। बट नेशनल पार्क में तो कन्फाइंड एरिया में रहते हैं ना? कन्फाइंड एरिया में रहते हैं, लेकिन उनके लिए सेपरेट केजेस नहीं होते ना बेटा। यस सर, खुले रहते हैं ना सर। टाइगर भी खुला है, डियर भी खुली जगह पर है, ठीक है, उनको हम सेपरेट केजेस में नहीं। महाराज बाग जू में गए होंगे तुम, अगर तुमने कहा कि मैं गया था सर आदित्य, तो तुमने देखा होगा बेटा कि डियर को अलग रखा गया है और टाइगर को अलग रखा गया है, उनको बंद कर दिया है सेपरेट केजेस, वहां पर बड़े बड़े बाड़े लगा दिए गए, बंद कर दिया उनको, एक दूसरे से मिल ना पाए वो। लेकिन नेशनल पार्क जाओगे किसी भी, तो नेशनल पार्क जंगल जैसा है, जंगल का एक पार्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट का एक पार्ट होता है, इसको कॉन्फाइन तो किया है, बंद तो किया है, ओके, लेकिन पूरे एरिया को बंद करके उसमें जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको रहने दिया एक साथ में, सभी वाइल्ड एनिमल्स को सेपरेट केजेस में नहीं रखा है, अलग अलग नहीं किया है। उस नेशनल पार्क में टाइगर भी वहीं पर है, डियर भी वहीं पर है, रैबिट भी वहीं पर है, ठीक है, वाइल्ड डॉग भी वहीं पर है, ठीक है, ऐसे सब जो जो वहां पर उस एक पर्टिकुलर एरिया का नेशनल पार्क है वहां पर जो जो एनिमल्स मिल सकते हैं वो सब एक साथ में रह रहे हैं। तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये एक्चुअल में फॉरेस्ट के पार्ट होते हैं, जबकि जूलॉजिकल पार्क फॉरेस्ट का पार्ट नहीं होता, ये सिटी के आसपास, बड़ी सिटी के आसपास या बड़ी सिटी में बनाया जाता है एक एरिया में, और ये इसलिए होता है कि जो लोग हैं वो इन एनिमल्स को देख सके, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में देख सके, उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगी वाइल्ड एनिमल्स को, और लोगों को भी प्रोटेक्शन मिलेगी, लोग जाकर के वहां पर देख सकते कि हाँ टाइगर ऐसा होता है, ये ऐसा करता है, ठीक है, कोई दूसरा एनिमल क्रोकोडाइल वगैरह है तो उसको उसके वहां देख सकते हैं। तो ये पहले फर्स्ट एनकाउंटर उनका हो सके, उनको देख सके कि ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ चीजें सीख सके, इसलिए जूलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं। फिर जूलॉजिकल पार्क का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये भी पूछ लिया जाए तो हम पहले कहेंगे कि उनको वाइल्ड एनिमल्स को यहाँ पर लेकर के आया जाता है। सर स्क्रीन ब्लैक ओके बेटा, एक सेकंड बेटा।